अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाने के बाद आप इसका टेस्ट जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और इसका नाम है मटन मखनी। बहुत ही मजेदार बनती है ये। पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मटन मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो हड्डी वाला गोश्त। अगर आप हड्डी वाला लेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें डालिए 2 टीस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी आधा टीस्पून, थोड़ा सा नमक, 4 से 5 टीस्पून दही, 2 या 3 टीस्पून रेड चिली सॉस, थोड़ी सी क्रश की हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जितना डालें। आपके पास क्रशर ना हो तो आप नॉर्मल जो काली मिर्च पाउडर है वो 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज प्याज को काट के बारीक पेस्ट की तरह पीस लें। देखिए इसे भी हम डाल देते हैं। आखिर में इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तेल। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। गोश्त में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे हम 2 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 1 घंटा या 1/2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा देर करेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा और मटन भी जल्दी गल जाएगा। सबसे पहले एक पैन में या प्रेशर कुकर में 50 ग्राम बटर मेल्ट कर लें। बटर को ज्यादा मेल्ट ना करें वरना ये जल जाएगा। बस इतना सा ही मेल्ट करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा और 5 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। इन्हें सॉटे कर लें। इसे 15 से 20 सेकेंड तक सॉटे करने के बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें हाई फ्लेम पे इसे बहुत अच्छे से भूनना होगा, क्योंकि हमने इसमें कच्ची प्याज डाली है और साथ ही दही भी है। इन सभी की कच्ची भू जाने तक इन्हें भूनते रहिए, तभी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। गोश्त को मैंने अच्छे से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया है। नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने तक फिर से इसे भून लें। इसमें हम 2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मैरिनेट करते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डाला था, अगर आप चाहें तो अभी थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर आपको कम लगा तो। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे कर दें, और लो फ्लेम पे गोश्त अच्छे से गलने तक हम इसे गलाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं तो हाई फ्लेम पे 1 विजिल यानी 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें, और लो फ्लेम पे बस 10 से 15 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। विजिल मैंने लगा दी है, अब गोश्त गलने के लिए हम इसे रख देते हैं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं कितने मजे का लग रहा है ये। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए तो इसे हाई फ्लेम पे और थोड़ी देर पकाएं, या इसी तरह चाहिए तो फ्लेम अप बंद कर सकते हैं। इसे थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर लें और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप दूध के ऊपर की थोड़ी सी मलाई लेके उसे पीस के भी डाल सकते हैं, वही फ्रेश क्रीम है। अगर वो भी ना हो तो स्किप कर दें, लेकिन डालने से टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही ज्यादा मजेदार मटन मखनी की रेसिपी हमारी तैयार है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, सभी को पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी मेरे बहुत से वीडियोस हैं, जरूर देखिए, यानी वीडियो के लिंक्स हैं। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।